मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मोहम्मदपुरा में स्थित काशीनगर कॉलोनी विवादों में थी। दरअसल यहां के जो जमीन मालिक थे अनिल नवग्रह, उन्होंने मनीष आसवानी को जमीन बेची थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने यहां पे कॉलोनी को डेवलप कर लिया था, जिसके बाद पूरा विवाद हुआ था। मामला थाने तक पहुंचा था, शिकायत हुई थी, कोर्ट में पहुंचा था। इस पूरे मामले में अब समझौता हो गया है। समझौते के तहत करीब 50 लाख रुपए का लेन देन की बात सामने आ रही है, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत वापस ले ली है और अपना आपसी राजीनामा करके समझौता करके कोर्ट में पेश कर दिया है। इस मामले के बाद अब इस कॉलोनी पे जो भी संकट के बादल थे वो दूर हो गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काशीनगर और मनीष आसवानी सामने आए, मीडिया के सामने आए। उन्होंने बताया कि हमारी जो समस्याएं थी, हमारे जो किंतु परंतु थे, हमारे जो विवाद थे, वो हमने बैठ के समझौता कर लिया है। अब ये पूरा मामला खत्म हो गया है। बहरहाल आप खुद सुनिए क्या कहा इस कॉलोनी को लेकर कॉलोनी नगर के प्रतिनिधियों ने। इसमें अब कॉलोनी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये जो यहाँ जो लोग रहना चाहते हैं, जो प्लाट खरीदना चाहते हैं, उनके लिए अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इस विवाद के बाद कहीं ना कहीं कॉलोनी के प्लाट बिकने पर भी संकट आ गए थे, तो सारी समस्याएं खत्म हो गई है। हमारी खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपडेट्स को मिले। खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख सको, फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। हमारा मामला ये था कि ये मनीष आसवानी जी है, ये और दो और लोगों ने मिलकर एक प्लॉट खरीदा था 539/1 रकबे में, जिसका नामकरण बहुत लंबे समय से लंबित था। अब वो लंबित मामले में हम लोगों ने बहुत बार तहसीलदार साहब के पास भी गए थे, हम लोगों ने शिकायत भी दर्ज की थी, बट उस मामले में कुछ हो नहीं पा रहा था, तो इसीलिए फिर वो मामला न्यायालय में हम लोगों को रखना पड़ा। माननीय न्यायालय ने उसमें जल्दी हस्तक्षेप करके उस मामले में हम दोनों पक्षों को बिठा कर एक समझौता कराया गया। उस समझौता के अधीन हम लोगों ने एक पेशकश रखी, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने कहा है कि 28 फरवरी तक वो जो एक्सेप्टेंस ऑर्डर है वो हम पहले रिलीज़ कर देंगे, फिर आप लोगों के पास में भी वो मामला पहुंच जाएगा। इस कारण अब हमको उस ज़मीन पर दीप डेवलपर से या काशीनगर से कोई भी आपत्ति नहीं है। हम जो है रस्सीवरिया परिवार से संबंधित हैं। दीप डेवलपर्स हमारी फर्म है, दीप डेवलपर्स के नाम से, और हमारी फर्म में आनंद महेश्वरी जी, अनिल नवग्रह जी और हम सब मिलकर हमारी फर्म शहर में कार्य करती है और कॉलोनी का काटती है। हमारी फर्म में जो ये हमारे जो आसवानी जी खड़े हैं, इनसे कुछ विवाद हो गया था ज़मीन के संबंध में। उस संबंध में इनके द्वारा न्यायालय में मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा 3/1/2024 को उसका निराकरण किया गया और उसके तहत आपस में हम लोगों का समझौता हो गया। अब समझौता होने के कारण वो भूमि हमको न्यायालय के द्वारा प्राप्त हो गई है और हमारे द्वारा इनको उस भूमि के एवज में उसकी राशि का भुगतान कर दिया गया है। अब न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित होने के पश्चात अब हम लोगों में जब कोई अब आपसी विवाद नहीं रहा, अब काशीनगर में भी कोई विवाद शेष नहीं रहा है। अब काशीनगर में मैं अपने इससे पहले जो पेपर वगैरह में आया या यूट्यूब वगैरह में चला, तो हमारे कुछ उपभोक्ताओं के मन में जो भी शंका आशंका उत्पन्न हुई थी, उसके संबंध में मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अब विवाद शेष ना रहने के कारण अब अपने खुले मन से शहर बुरहानपुर के विकास में हम आपके साथ हैं। आप हमारी कॉलोनी में आए, निरीक्षण करें और इन्वेस्ट करें और बुरहानपुर के विकास में हम आपके साथ भागीदारी बने हैं, हम आपके साथ भागीदार बनना चाहते हैं। और अब किसी प्रकार का वाद विवाद शेष ना होने के कारण अब हमारा आप हमारे उपभोक्ताओं से भी निवेदन है कि हम शहर बुरहानपुर में एक बेहतरीन कॉलोनी का डेवलपमेंट कर रहे हैं। उस कॉलोनी में हम 20 सुविधाएँ दे रहे हैं। उस कॉलोनी जो हमारा 7 एकड़ का रकबा है, उसमें हमने 5 गार्डन बनाए, उसमें 40-40 फीट के हमने मेन एंट्रेंस रोड छोड़े, उसमें 30 फीट के अंदर के रोड छोड़े, उसमें 5 गार्डन है, उनमें बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और हमारी जो माँ बहनें होती हैं, महिलाएं, उनके लिए सेफ कॉर्नर बनाया है। तो हमारा अब शहर बुरहानपुर के उपभोक्ताओं से या आजू बाजू के ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं से निवेदन है कि आप काशीनगर में आएँ और उसका भ्रमण करें और वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करें और हमारे साथ वो बुरहानपुर के विकास के लिए हमारा सहयोग करें। मैं रस्सी वाला परिवार से संबंधित हूँ मैं, और दीप डेवलपर्स हमारी फर्म है, जिसमें अनिल नवग्रह जी और लखन आनंद, जिनने हमने पूर्व में सीके भी कभी किया है,
उस कॉलोनी का भी डेवलपमेंट हमने किया है, हम सब साथ में मिलकर साथ में काम करते हैं। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।